गिद्धौर के दिग्विजय सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्लाइन कराने के लगते हैं 500 रुपए। मरीज के परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर लगाया नजराना मांगने का आरोप। डीएम व सिविल सर्जन से की गई है लिखित शिकायत। यदि आप जम्मू जिले के गिद्धौर से हैं और मरीज के इलाज के लिए गिद्धौर पीएचसी आ रहे हैं तो सावधान हो जाइए, यहां आपकी जेब ढीली हो सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गिद्धौर के दिग्विजय सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज के लिए सलाइन चढ़ाने के नाम पर परिजनों से 500 रुपए की मांग किए जाने का एक ऑडियो जमुई हंट को प्राप्त हुआ है, जहां आउटसोर्सिंग के काम करने वाली एक महिला कर्मी स्वयं इस घटना की तस्दीक करते हुए सुनी जा सकती है। इससे पहले हम आपको ऑडियो सुनाएं, आइए आपको पूरे मामले से अवगत करवाते हैं। हुआ यूं कि धोबगढ़ गांव निवासी प्रियंका कुमारी की तबीयत शुक्रवार की शाम अचानक बिगड़ गई थी, जिसे इलाज के लिए दिव्य सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। यहां इमरजेंसी में पुर्जा बनवाकर इलाज करवाने का प्रयास किया। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने मरीज को स्लाइन कराने के एवज में 500 रुपए की मांग की गई। कर्मियों ने परिजन से कहा कि पैसे नहीं देने पर यहां इलाज नहीं हो पाएगा, मरीज को बाहर ले जाइए। इस बीच अस्पताल के आउटसोर्स कर्मी और परिजनों के बीच कहासुनी भी हो गई। बिगड़ती स्थिति और दर्द से कराह रही मरीज प्रियंका को परिजनों ने आनन फानन स्थिति में जमुई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, तब जाकर उसकी जान बड़ी मुश्किल से बच पाई। अब ऑडियो सुनिए। 500 रुपया लगता है सरकारी हॉस्पिटल में। अरे हम का कुछ बोल रहे हैं जी। तो बोल रहा है 500 रुपया मांग रहे हैं पानी चढ़ाने का। सुना ना, डिलीवरी बोले है, बोला अरे कहीं और से दवाई खराब कर ला, ब्लीडिंग हो करे उतना उतना। पर वाली मैडम बोल रहे कि कौन सी इलाज करेगा, उधर अल्ट्रासाउंड देख ले। वो तो हमारा तो कलियो माया लग गिल से चला, इधर कर गई उतना खून पानी साफ करब तो मंगनी ना करब। दीदी सब बोल रहा इलाज, मैडम बोल रहे ऐसे हम लोग कैसे इलाज कर देंगे, ये कहाँ से इसका इलाज चल रहा, कहाँ से इसका दवाई चल रहा। तो मैडम से बात करें, 500 रुपया आप जो मांगे आप रेफर कर देते, आप 500 रुपया कैसे मांगे जी। रेफर कैसे कर दे, पेशेंटवा तो ठीक है, तो पेशेंटवा का ब्लड खूब चलो करो, यहाँ अल्ट्रासाउंड क्या हो व्यवस्था। काम क्या है वहाँ, काम क्या करते हैं आप, तो रिजाइन मार दीजिए। कौन सी रिजाइन मार दी, तो हम लोग अभी पैसा उसको लिए हैं, मैडम बोलिए सरकारी हॉस्पिटल में पैसा लगता है। सुना ले, कोई पैसा ना मांग रहे, पेशेंटवा का ट्रेन एक्स्ट्रा लगा दिल को तो। हालांकि घटना को लेकर मरीज के स्वजनों ने जमुई डीएम व सिविल सर्जन से डाक के माध्यम से शिकायती पत्र भेजकर इस प्रकरण के जांच की मांग तो रख दी है, पर सवाल उठता है कि राज्य सरकार के सुपर 60 और स्वास्थ्य विभाग में होने वाले सख्ती के बावजूद क्या गिद्धौर के इस सरकारी अस्पताल में प्रबंधन आउटसोर्सिंग कर्मियों के कंधे पर बंदूक रख अपने आमदनी का ग्राफ बढ़ा रही है। क्या नजराना लिए जाने का ये प्रकरण अस्पताल प्रबंधन के संज्ञान में नहीं लाया गया? अस्पताल में गठित रोगी कल्याण समिति की चुप्पी अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार की गवाही दे रही है। यदि इन सभी सवालों का जवाब हाँ है तो अब तक समुचित कार्रवाई सामने क्यों नहीं आई, और जवाब ना है तो स्वास्थ्य विभाग किस आधार पर सिस्टम को सुधारने का दम भर रही है, यह भी विचारणीय प्रश्न है जिसका जवाब देना प्रबंधन मुनासिब नहीं समझ रही। लेकिन हाँ, अस्पताल प्रभारी डॉक्टर अजीमा निषाद ने मामले में आवेदन की मांग कर कार्रवाई की बात कहते हुए औपचारिकता जरूर पूरी कर दी है। हाँ, कल हमको आवेदन दे दीजिए और हम उसको जो है आउटसोर्सिंग के जो ठेकेदार हैं हम उन तक बढ़ा देते हैं, सिविल सर्जन तक जाएगा जी। और उसका एक हम क्या बोल रहे हैं प्रतिलिपि जो है हम जिला पदाधिकारी को भी दे देंगे, डीएम साहब बहुत कड़क आए हैं जी। ठीक है जी। हम जहाँ तक मेरा जो है मेरे पास यथा संभव प्रयास हम कर देंगे कि किसी भी पेशेंट से जो है बिना वजह 500 रुपया उधारी है, सब चीज ठीक नहीं है। डिलीवरी होता है, लोग कुछ मिठाई उठाई खाता हुआ अलग चीज, लेकिन कोई पेशेंट आएगा तो 500 रुपया पानी का मांगना ये कहीं से ठीक नहीं है। यहाँ यह भी बता दें कि दिग्विजय सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गिद्धौर में कई बार अनाधिकृत रूप से पैसे लेने का मामला सामने आते रहा है, जिस पर आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। खैर जो भी हो, इस मामले ने गिद्धौर पीएचसी के दामन पर बदनामी का दाग लगा दिया है, जो आमजन में भी चर्चा का विषय बना है। ब्यूरो रिपोर्ट,
जमुई हंट।